हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष और अपने चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अगर आपका कुछ भी चटपटा खाने का मन करता है तो ये डिश आपके लिए है दोस्तों। और ये बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली है, फटाफटी बन के रेडी हो जाती है और खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि आप इसको बार बार बनाना चाहोगे। और बनाने में तो बहुत ही आसान है दोस्तों, तो आइए हम इसको बना लेते हैं। और अगर आपको ये डिश पसंद आती है तो इस रेसिपी के लिए लाइक शेयर तो बनता है दोस्तों, तो इतना तो आप ज़रूर करें। तो आइए हम बनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लिया है दोस्तों, और इसमें मैंने उबले हुए कटे हुए आलू ले लिए हैं और इसको 2-3 मिनट हमें फ्राई करना है। बस ज़्यादा देर हमें नहीं करना है, बस थोड़ी देर करना है। और अभी ये फ्राई हो गए हैं हमारे, 2-3 मिनट हो गए हैं। और अभी इसमें भीगे हुए मैंने चने डाल दिए। जैसे हम सब्जी के लिए चने भिगोते हैं और वो बच जाते हैं, तो उसका ये हम नाश्ता सा बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसको मिक्स करने बाद अभी हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा काला नमक डाला है और थोड़ी सी मैं अभी इसमें डालूंगी हरी मिर्च। हरी मिर्च आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना तीखा आपको चाहिए उसके हिसाब से। मैंने यहाँ 2 हरी मिर्चें ली हैं और बारीक वाली हरी मिर्चें यहाँ, ये तीखी हैं थोड़ी। तो इसको हम अभी निकाल लेते हैं कढ़ाई से। कढ़ाई में निकालने के बाद अभी हम इसमें कटा हुआ बारीक प्याज डाल देंगे एक, और एक टमाटर कटा हुआ। और साथ में मैंने ये 3 सॉस लिए दोस्तों, एक ग्रीन चटनी, टमाटो सॉस और रेड चिली सॉस, ये मार्केट वाली है। और तीनों मैंने एक एक चम्मच लिया है, तो इनसे जो इसका टेस्ट है लाजवाब आएगा, तो आप ये ज़रूर बनाएं। और यहाँ पे आधा टी स्पून मैंने भुना हुआ जीरा ले लिया है, भुना हुआ जीरे का पाउडर, और थोड़ा सा जो पेपर पाउडर होता है काली मिर्च का पाउडर वो लिया है कुटी हुई, और साथ में लाल मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा साधारण नमक मैंने यहाँ पे ऐड और किया है। सॉस में भी नमक होता है और इसके हिसाब से आप नमक डालें। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे नींबू का रस डाल लिया है। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये जो सब चीज़ें हैं वो आपस में मिक्स हो जाए। और अभी मैं इसमें थोड़ी, मेरे पास भुजिया पड़ी हैं वो मैंने डाल दी है, जो नॉर्मल भुजिया हम खाते हैं चाय के साथ वही वाली है ये। तो इसको भी हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये हमारी लगभग बनके रेडी हो चुकी है, तो इसके ऊपर से हम भुजिया थोड़े से और डाल देंगे ताकि ये खाने में और करारी लगे। तो भुजिया आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी ये बनके रेडी हुई है। और आपको अगर ये पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, ये बना के एक बार ज़रूर खाएँ और आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।